सोल फैमिली, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सब सही होंगे, खुश होंगे, खुशहाल होंगे, ढेर सारी ब्लेसिंग आप सभी को मिल रही होंगी, ढेर सारा प्यार आप सभी को मिल रहा होगा आपके गॉड की तरफ से, आपके अल्लाह की तरफ से, आपके भगवान की तरफ से, जिन्हें भी आप मानते हैं। सो थैंक यू आप सभी के प्यार के लिए। और एक चीज़ मैं आज ज़रूर आप सभी के साथ शेयर करना चाहूँगी, मेरा जो ये चैनल है इंट्यूटिव टैरोरिटो, ये किसी कास्ट, किसी कल्चर, किसी स्पेसिफिक धर्म रिलीजन से नहीं जुड़ा है। ये नहीं है कि अगर मैं हिंदू हूँ तो सिर्फ मैं हिंदू सब्सक्राइबर्स को ज़्यादा तवज्जो दूंगी, ऐसा कुछ नहीं है। या फिर आपका धर्म, आपका रिलीजन कुछ और है, मैं आपको इतना तवज्जो नहीं दूंगी, ऐसा कुछ नहीं है। आई डोंट नो व्हाई, बट मैंने आज एक रीड किया, एक मैसेज, एक कमेंट, एंड आई वाज जस्ट शॉक्ड कि भाई ये है क्या। फॉर मी, मेरे लिए कोई कल्चर, कोई धर्म, रिलीजन मैटर नहीं करता है, ठीक है। अगर मेरे पास किसी और धर्म का भी पर्सन आता है तो मैं उसको भी वैसे ही ट्रीट करती हूँ जैसे कि मैं अपने रिलीजन के लोगों को ट्रीट करती हूँ। और एक रिलीजन होने से पहले हम एक ह्यूमन बीइंग हैं, कोई भी हमारा रिलीजन है उससे पहले हम एक ह्यूमन बीइंग है। और आई डोंट नो कौन था वो पर्सन, उसने पता नहीं क्या बोला कि आई डोंट नो, मैंने पढ़ा भी नहीं अच्छे से उसका मैसेज, बिकॉज जब मैंने देखा कि आप एक हिंदू लड़की हैं, आई वॉज जस्ट ओ माई गॉड। आजकल भी ऐसे लोग दुनिया में हैं जिनके लिए ह्यूमन होने से ज़्यादा, ठीक है, क्या ज़रूरी है रिलीजन। एंड आई डोंट नीड दिस टाइप ऑफ पर्सन ऑन माई यूट्यूब चैनल। आई जस्ट वॉन्ट, वो मैं बस उन पर्सन्स को अपनी फैमिली का हिस्सा बनाना चाहती हूँ जिसको किसी ये स्पेसिफिक धर्म से कोई जलन, कोई द्वेष, कोई ऐसी, ये कहते हैं ना कि दूसरे सामने वाले से आपको नफरत, वो ना हो। और मुझे किसी धर्म से, किसी रिलीजन से कोई नफरत नहीं है, ठीक है। इनफैक्ट आई रिस्पेक्ट कि हाँ, हर एक धर्म की मैं रिस्पेक्ट करती हूँ, चाहे वो आपका क्रिश्चियनिटी हो, ठीक है, आपका बौद्ध, बुद्धिस्ट जो है वो धर्म हो, आपका मुस्लिम धर्म हो, आपका हिंदू धर्म हो, आई रिस्पेक्ट ऑल ऑफ यू, ठीक है। लेकिन हाँ, इस तरीके से अगर कोई आएगा मैं ब्लॉक कर दूंगी भाई। आई डोंट केयर आप किस धर्म से हैं, आई डोंट केयर आप क्या कर रहे हो, आई डोंट केयर आप किस पोजिशन पे हैं, बस अगर आप यहाँ सामने वाले को, किसी को रिस्पेक्ट देते हो, अगर आप कमेंट बॉक्स में किसी सामने वाले की रिस्पेक्ट कर रहे हो, उसकी रिस्पेक्ट के साथ बोल रहे हो, तो आप इस चैनल पे रहोगे। अदरवाइज मैंने आपको ये नहीं कहा कि आप आइए देखिए, अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो देख लीजिएगा, ठीक है, अगर आपको नहीं लगता तो आप बेशक मत देखिए, ठीक है, मैंने आपको नहीं रोक रखा है। और एक चीज़, अगर आप एक यहाँ पे रिस्पेक्ट नहीं कर सकते हो, किसी और ने कमेंट डाल रखा है, आप उसके साथ ही बदतमीजी कर रहे हो, मैं ब्लॉक कर दूंगी, मैं रिमूव कर दूंगी। बस एक मेरा बहुत अच्छी लड़की है, उन्होंने कमेंट कर रखा और नीचे एक लड़के ने कमेंट कर रखा कि भाई मुझसे बात कर लो, मेरे को टाइम दोगी क्या, ऐसा कुछ। क्या आप यही करने आते हो क्या? आई एम नॉट सेइंग सब लोगों को, मैं नहीं कह रही हूँ, लेकिन उन स्पेसिफिक लोगों को कह रही हूँ जो इस चैनल पे अगर ऐसे हैं, सो प्लीज़ मैं आपको यही बोलूँगी कि आप सामने वाले की रिस्पेक्ट करोगे, सामने वाला आपकी रिस्पेक्ट करेगा। और मैं नहीं चाहती कि मेरी फैमिली के किसी मेंबर के साथ भी कोई बदतमीजी करे। आई डोंट नीड दिस, ठीक है, आई डोंट नीड दिस टाइप ऑफ पर्सन ऑन माई यूट्यूब चैनल। मैं अपनी रिस्पेक्ट जितनी करती हूँ, मैं सामने वाले को भी यही सोचती हूँ कि सामने वाले की भी वही रिस्पेक्ट है, और मैं कभी उसे कुछ नहीं कहती। बट अगर ऐसा होगा सो प्लीज़, और हाँ, किसी के कहने पे मैं अपना बोलने का तरीका चेंज नहीं करूँगी। आज जो मैंने कमेंट पढ़ा, आप एक हिंदू लड़की हैं, आप किस तरीके से बोल रहे हो, मैं किस तरीके से बोल रही हूँ, आई लव माई सेल्फ डियर, आई लव माई सेल्फ, और मैं किसी के कहने से अपना तरीका नहीं बदलूंगी बोलने का, क्यों चेंज हूँ भाई मैं। इफ़ यू लाइक मी
यू कैन वॉच दिस वीडियो, यू कैन वॉच दिस रीडिंग, यू कैन टेक पर्सनल रीडिंग. इफ यू डोंट लाइक प्लीज यू कैन लीव. ओके, आई नो आप सोचोगे कि आज तो दी बहुत गुस्से में है, मैम बहुत गुस्से में है, लेकिन मैं नहीं चाहती माई फैमिली कि आपके साथ कोई बदतमीजी करे. अगर मुझे ऐसा दिखता है ना कि सामने वाला मेरा कोई ऐसा सब्सक्राइबर है जो बहुत अच्छा है और उसके साथ कोई बदतमीजी कर रहा है, मैं उस सामने वाले पर्सन को ब्लॉक कर देती हूँ, बिकॉज आई डोंट वॉन्ट दिस टाइप ऑफ पर्सन ऑन माई यूट्यूब चैनल. ठीक है, आई नो आप बहुत सारे कहेंगे कि अरे ये क्या बोल रहे हो मैम आप, बट आप मेरी बात में बात से अगर ताल्लुक रखते हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि किसी धर्म कोई रिलीजन इतना बड़ा नहीं होता जितनी ह्यूमनिटी होती है, मतलब हमारी जो मानवता है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है. एंड आई बिलीव कि हाँ भाई कोई कल्चर, कोई कास्ट, कोई रिलीजन कुछ नहीं होता है, वो हमने बनाया है. खुद भगवान ने, खुदा ने नहीं बना के भेजा कि आप इस कल्चर के हो ये कीजिए. ठीक है, खैर छोड़िए, बहुत ज़्यादा ही लंबा भाषण हो गया है. आज हम देखने वाले हैं कि आपकी शादी किससे होगी. ठीक है, सो यू हैव टू पाइल्स, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2. ठीक है, अगर आप मेरी बात से रिलेट करते तो मुझे ज़रूर बताइएगा. हाँ, पाइल नंबर 1, जिनका भी नेम इनिशियल AEFIJMNPRUVWZ से स्टार्ट होता है, देन चूज पाइल नंबर 1. अगर आपका नेम इनिशियल BCDGHKLOQSTXY से स्टार्ट होता है, देन चूज पाइल नंबर 2. ओके, सो यार लेट्स स्टार्ट विद योर रीडिंग कि आपकी शादी किससे होगी. ओके, सो पाइल नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं. माय फैमिली, ओके, मेरे लिए आप सब बहुत ज़रूरी हो जाएगा, मेरे लिए आप सब ज़रूरी हो, लेकिन मैं कोई ऐसा पर्सन मेरी फैमिली में नहीं चाहती जो दूसरों की इंसल्ट करे. मेरी तो, मैं अपनी तो चलो मैं एक दफ़ा ये सोचूं कि चलो मैं तो सोच भी लूँगी एक दफ़ा कि किसी अरे गहरे ने कमेंट कर दिया, चलो भाई जाने दो छोड़ो. ठीक है, लेकिन आपके साथ अगर कोई बदतमीजी करे भाई कैसे? आप मेरी फैमिली का हिस्सा हो, आप मुझ पर इतना विश्वास रखते हो, देखते हो वीडियोस को, सो मैं कैसे आप सबके साथ बदतमीजी होने दे सकती हूँ? इट्स नॉट गुड ना. प्लीज़ एंजल्स, प्लीज़ मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स की शादी किन से हुई जिन्होंने भी पैन नंबर 1 को चूज़ किया है. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ऐसा लगता है आपकी शादी, आपकी, ओ माय गॉड, लवर्स कार्ड इज, आई वॉन्ट टू टेक दिस कार्ड बिकॉज ये खुद ही निकल के आया है. ओके, अगर आप किसी से ऑनलाइन बात कर रहे हो, अगर आप किसी से ऑनलाइन बातें कर रहे हो, बातें चल रही हैं आपकी ऑनलाइन, आप किसी से मिले हो, बिकॉज मैंने 8 ऑफ वॉन्स देखा था बॉटम ऑफ द डेक, तो आप, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है आपकी लव मैरिज उनसे होने के ज़्यादा चांसेस हैं, और वहाँ से आपका हो सकता है कि आपकी उनसे शादी हो जाए और ये आपके सोलमेट हो. यू कैन सी 6-6 नंबर. ठीक है, आप में से 6-6 नंबर यहाँ पे दिख रहा है मुझे, पहले तो आपके सोलमेट हैं ये जिससे भी आप बात कर रहे हो, जिससे भी आपकी शादी होगी वो आपके सोलमेट होंगे, आपके लवर होंगे, आपसे बहुत प्यार करते होंगे. और अगर आप यहाँ पे लड़की है ना, तो इस लड़के की नज़र आपसे नहीं हटेगी, आपकी ब्यूटी के तेरे लोंडे दीवाने, आई डोंट नो, बट ये सॉन्ग मुझे याद आया आपके लिए कि हाँ भाई वो ऐसे बोलेंगे कि आपकी ब्यूटी तो बहुत ही कातिलाना है, आपका अंदाज कातिलाना है. आई एम सीइंग जो मैंने सबसे पहले देखा था हेरोफेंट कार्ड. ठीक है, और मैं तभी ये बोलने वाली थी कि हो सकता है आपकी अरेंज मैरिज हो, बट तभी लवर्स कार्ड आ गया. तो आपकी जो शादी होगी वो लव से अरेंज होगी, मतलब कहने का यहाँ है कि आप, वैसे तो लव मैरिज होएगी लेकिन हाँ फैमिली मान जाएगी, और अरेंज मैरिज और ट्रेडिशनल वे में आपकी शादी होगी. हर कोई यही चाहता है वैसे तो, अगर कोई लव लाइफ है उसकी, उसकी लाइफ में कोई है, किसी की लाइफ में कोई पर्सन है, वो यही चाहता है कि हाँ भाई किसी ऐसे से शादी हो जाए जिससे फैमिली भी मान जाए. सो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है, और ये आपके सोलमेट हो सकते हैं, आपके चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकते हैं, या फिर आपके फ्रेंड हो सकते हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपके पास्ट लाइफ में रिलेशनशिप रही हो. और मैं आपको दिखाना चाहूँगी फिर से वही कार्ड, ये देखिए बॉटम ऑफ द डेक था ये कार्ड.
सो कहीं ना कहीं गॉड आपके साथ जस्टिस कर रहे हैं, आपने जो पेन देखा है, आपने जो अपनी लाइफ में हमेशा स्ट्रगल देखा है लव लाइफ में, सो उसके बिहाफ पे एंजल्स आपकी जो शादी है ना, आप में से बहुत सारे लोगों का या तो यहाँ पे ये हो सकता है 20% लोगों के लिए यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है कि हाँ भैया आपके अरेंज हो, अदरवाइज मुझे ना बहुत सारे लोगों के लिए, ज़्यादातर लोगों के लिए ये लग रहा है कि आप किसी से प्यार करेंगे या कोई आपसे प्यार करेगा और उसके बाद जो फैमिली वगैरह मान जाएंगी आपकी, क्योंकि वो आपके सोलमेट होंगे, उनके सिवाय आपकी शादी किसी से होने नहीं लिखी होगी, आपकी डेस्टिनी में ही वो पर्सन होंगे। वाओ ब्यूटीफुल कार्ड्स है, बहुत आई लव इट। ओके, ये कोई पोजीशन पे हो सकते हैं, मे बी ये कोई डॉक्टर हो, मे बी ये कोई हीलर हो, मे बी ये ऐसा हो सकता है कोई गाइड हो, टीचर हो, प्रोफेसर हो, ठीक है, या फिर ऐसा हो सकता है लॉयर हो, जज हो, या सेलर हो, किसी भी चीज़ को, फ्लावर वगैरह की शॉप हो या फिर कोई खुद का कोई बिजनेस हो, कोई शॉप हो इनकी, ठीक है। 654 उल्टी गिनती चल रही है, आप देख रहे हो 654। सो जीरो से स्टार्ट करोगे आप दोनों। देखो फिर से मैंने कहा, आप ऑनलाइन मिल सकते इस पर्सन को, आप ऑनलाइन मिलेंगे इस पर्सन को डेफिनेटली। मे बी आप किसी और से मूव ऑन कर रहे हो या आप किसी और रिलेशनशिप से निकले हो और तब आपको ये ऑनलाइन मिले। आपकी शादी होने के चांसेस है कि दूसरी कंट्री में हो आपकी शादी, ठीक है, ऐसे चांसेस हैं कि अदर कंट्री हो, आपको ट्रैवल करके जाना पड़े, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो आप दोनों की, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। और ये पर्सन बहुत ज़्यादा लविंग होंगे आपके लिए, बहुत ज़्यादा केयरिंग पर्सन, आई मीन बहुत ज़्यादा केयरिंग पर्सन होंगे, इतने केयरिंग होंगे आपके लिए कि अगर आप यहाँ पे लड़के हैं तो आपकी वाइफ आपके है ना छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखा करेगी कि आपने खाना खाया कि नहीं खाया, आप ठीक हैं कि नहीं है, और कैसे गया आपका आज का दिन, ऐसे। और अगर लड़की है, आप यहाँ पे लड़की वॉच कर रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, सो भाई क्या ही कहना, लड़का आपको राजकुमारी बना के, मतलब वो कहते हैं ना रानी बना के रखेगा, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। सो यहाँ बहुत लविंग होगा, हैंडसम हो सकता है, मीडियम हाइट मुझे नज़र आ रही है, इनकी नोज़ मुझे थोड़ी सी स्पेसिफिक नज़र आ रही है, नोज़ जो है बहुत ज़्यादा आपको स्पेसिफिक, या इनके फेस पे सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव जो इनको चीज़ बनाती होगी वो इनकी नोज़ होगी, ठीक है। एंड या इनको थोड़ा सा जो है बॉसी लुक कैरी करना पसंद होगा, या फिर इनको बॉसी नेचर होगा, लेकिन एट द सेम टाइम ये बहुत ज़्यादा केयरिंग होंगे आपके लिए, आपको गिफ्ट देना, आपको आपसे बात करना, अगर आपको यहाँ पे चॉकलेट पसंद है तो ये पर्सन आपके लिए चॉकलेट्स लेके आएंगे। सच में बहुत प्यार करते होंगे आपसे ये, और आपको अगर ये पसंद है कि अगर आपको कहीं बाहर जाना है, या फिर आपने ओशन वगैरह देखने जाना है, या फिर आप ट्रैवल करेंगे इनके साथ, मुझे ओशन दिख रहा है कि हाँ भैया आप ओशन से ट्रैवल करेंगे दूसरी कंट्रीज़ में, सो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आप इनके साथ बहुत ज़्यादा ट्रैवल करेंगे, आपको ये मिल सकते हैं, ऑनलाइन मिलेंगे, ठीक है, आपकी बात हो सकती है, आपके वर्क के प्लेस से हो सकते हैं, अदरवाइज ये आपके पास्ट लाइफ से हैं, और ये आपको इनको सोलमेट कनेक्शन फील होगा आप दोनों को एक दूसरे के साथ, और एक बहुत प्यारा और लविंग केयरिंग कनेक्शन होगा ये, ठीक है। ये पर्सन पोजिशन में हो सकते हैं, आप पोजिशन में हो सकते हैं, आपके पास कोई अथॉरिटी हो सकती है, बट जो केयर होगी, जो लव होगा, वो बहुत अच्छा होगा आप दोनों के दरमियान। टू ऑफ कप्स, प्लीज एंजल्स मुझे बताएं। ओके, मैंने शायद एनर्जी क्लीन नहीं की। प्लीज एंजल्स मुझे बताएं, प्लीज कि पाइल नंबर वन की शादी किससे होगी। दे ट्रीट यू लाइक अ चाइल्ड, ठीक है, वो आपको एक चाइल्ड की तरह ट्रीट करेंगे ये पर्सन, ठीक है, यही आना चाहता है भाई। चलो ओके, हाय प्रिस्टेस कार्ड, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ कप्स। ओ माय गॉड, किंग ऑफ कप्स के नीचे ही किंग ऑफ कप्स है,
एंड वॉट ये है एक पेज ऑफ कप्स. ठीक है, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू, आई लव यू. ओके, मुझे क्या नज़र आ रहा है? आपके पास्ट में कुछ चीज़ें बेहतर नहीं रही, इस रिलेशनशिप में क्या रहेगा? मे बी यहाँ पे ऐसा मुझे नज़र आ रहा है थोड़ा सा, या तो आप अपने पास्ट की वजह से थोड़ा कंफ्यूज रहोगे, पास्ट और प्रेजेंट में आप झूलते रहोगे, आपको समझ नहीं आएगा. मे बी आप इस पर्सन को उतना ज़्यादा केयर, उतना ज़्यादा तवज्जो ना दे स्टार्टिंग में, बिकॉज आपका जो पास्ट के जो आपके लेसन्स हैं उनकी वजह से आप जो है इस पर्सन को उतना ज़्यादा ट्रस्ट ना कर पाओ शुरुआती तौर पे. क्योंकि आपका मुझे ऐसा नज़र आ रहा है जब आप इनसे मिलोगे तो आप अलाइन हो चुके होंगे यूनिवर्स के साथ, आप यूनिवर्स के साथ अलाइन होकर काम कर रहे होंगे, आप अपने फाइनेंसेस पे वर्क कर रहे होंगे, और उस दरमियान ये पर्सन आपके पास आएगा, ये पर्सन आपको अपनी फीलिंग्स को ज़ाहिर करेगा. एम से नाम हो सकता है इस पर्सन का, पी से नाम हो सकता है, देख लीजिए कुछ नाम बन रहता है एमपी से, आई डोंट नो, लेकिन हाँ इनिशियल हो सकते हैं इनके नाम में. या माही किसी का नाम है क्या? माही हो सकता है आपके पर्सन का नाम. सो या स्टार फिश, मुझे आप स्टार सेड हो सकते हैं, या फिर ये पर्सन कोई अविश होंगे आप. ठीक है, ये आपको बहुत प्यार करते होंगे, बहुत केयरिंग होने वाले हैं, लव मैरिज के चांसेस मुझे ज़्यादा नज़र आ रहे हैं. आप ऑनलाइन मिल सकते हैं, वर्क पे मिल सकते हैं कहीं. ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, आप दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए ट्रैवल करें ऐसा हो सकता है, नियर बाई नहीं हो, दूसरी कंट्री में भी पॉसिबल है. उस टाइम पर मिलेंगे जब आप किसी पास्ट लाइफ से या फिर किसी पास्ट पर्सन को रिलीज कर रहे होंगे, आप अपने आप पे फोकस कर रहे होंगे, अपने फाइनेंसेस पे फोकस कर रहे होंगे, उस दरमियान ये पर्सन आपकी लाइफ में एंटर करेंगे. और ये जब एंटर करेंगे तो आपको एज अ चाइल्ड ट्रीट करेंगे, इतना प्यार देंगे कि आप शायद पास्ट को भूल जाएं बहुत जल्द. ठीक है, लेकिन हाँ शायद ये चीज़ जो थी, जो आपके पास्ट था, वो आपकी लाइफ में जो है प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है दोनों के दरमियान. नाउ लेट्स सी. और अगर मैं बात करूं कि भाई कैसे होंगे पर्सनैलिटी में आफ्टर मैरिज, आपकी जो है कैसी रहेगी आफ्टर मैरिज, है ना, आप दोनों के दरमियान, चलो मैं देख लेती हूँ दो तीन कार्ड्स लेके आफ्टर मैरिज क्या है. ठीक है, आफ्टर मैरिज लाइफ कैसी रहेगी एंजल्स, मेरे व्यूवर्स की आफ्टर मैरिज लाइफ कैसी रहेगी? आपको है ना थोड़ा सा बर्डन फील हो सकता है आफ्टर मैरिज कि अरे बाबा ये सब कुछ करना होता है. अरे हाँ खैर छोड़ो, मेरी तो आदत है अरे बाबा कहने की, और अगर किसी को नहीं पसंद तो नहीं पसंद भाई, आई डोंट केयर. थ्री ऑफ पेंटिकल्स, आपको बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, आपको बहुत ज़्यादा ये रहेगा, आप कंफ्यूज रहोगे कि अरे क्या करना चाहिए मुझे, क्या नहीं करना चाहिए. लेकिन हाँ ऐसा है कि आप है ना, आपका शायद है ना, आप दोनों एक दूसरे से स्टार्टिंग में थोड़ा सा 3 मंथ के लिए एक दूसरे को एडजस्ट करना पड़े आप दोनों को. ठीक है, वो इसीलिए क्योंकि यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है कि शायद आपको उनके माहौल में ढलने में थोड़ा सा वक्त लगे, माहौल में वहाँ पे जाने में थोड़ा सा वक्त लगे, उस माहौल को समझने में थोड़ा वक्त लगे आपको. इस वजह से हो सकती है थोड़ी सी प्रॉब्लम, 2 महीने 3 महीने एडजस्ट करना पड़ेगा आपको. लेकिन आफ्टर दैट मुझे यहाँ पे एम्प्रेस का कार्ड नज़र आ रहा है, सो आप एक क्वीन की तरह अपनी लाइफ जियोगे, लग्जीरियस लाइफ जियोगे, एवरीथिंग जो भी आप चाहते हो वो आपके सामने होगा, और आप खुद भी कमाएंगे मुझे ऐसा नज़र आ रहा है. अगर आप यहाँ पे लड़की हैं, अगर लड़के हैं आप, तो मुझे आपकी आपको एक चीज़ मैं सजेस्ट करना चाहूँगी कि आप अपनी वाइफ को थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, क्योंकि ये चीज़ उन्हें थोड़ी हर्ट कर सकती है. शादी के बाद अगर आप उन्हें टाइम नहीं देंगे तो ये चीज़ उन्हें हर्ट कर सकती है, उनका माइंड डाइवर्ट हो सकता है. ठीक है, और अगर यहाँ पे आप लड़की हैं तो मैं आपको एक चीज़ कहूँगी कि आपको सामने वाले को है ना साफ साफ बोल देना है कि देखो काम हो बेशक हो आपको, ठीक है, लेकिन हाँ मेरे लिए टाइम आपको निकालना पड़ेगा. आई डोंट नो कैसे निकालोगे आप, लेकिन निकालना पड़ेगा मेरे लिए टाइम. ठीक है, और आपके है ना स्टार्टिंग में थोड़ा सा दिक्कत रहेगी एक दूसरे को समझने में, एडजस्ट होने में उस फैमिली में, बट हाँ आफ्टर दैट वो एक न्यू साइकिल एक सन के साथ रिवील होगी, और आप फाइनेंशली भी ग्रो करोगे और मेंटली भी आपकी जो है ग्रोथ होगी, और उसके साथ साथ जो है
कई दफ़ा आपको लग सकता है कि अरे ये रिलेशनशिप थोड़ा सा अच्छी नहीं चल रही है, बट देन सब कुछ ठीक होगा। आप इनके साथ डेट पे भी जा सकते हैं, डिनर नाइट डिनर पे जा सकते हैं, ठीक है। और आप एक स्माइली फेस रखोगे, लेकिन जब आप कोई फेक स्माइल रखोगे ना और आपको दर्द होगा तो सामने वाला समझ जाएगा। या फिर मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि थोड़ा सा उनकी फैमिली की तरफ से इशू हो सकता है, अदरवाइज़ ये पर्सन आपको एक रानी की तरफ रखेंगे अपने पास। कैसे हो सकता है नाम? कार्तिक नाम है क्या किसी का? वाइट कलर हो सकता है, फेवरेट हो। एंड यस, ये थोड़े से ऐसे होंगे, थोड़े से अगर इनकी एज भी होगी ना फिर भी हैंडसम लगेंगे बहुत ज़्यादा भाई, अगर लड़के हैं तो। और लड़की हैं तो बहुत ब्यूटीफुल है भाई। ऐसे नाम हो सकता है, ब्लैक कलर फेवरेट हो सकता है। अनुष्का किसी का नाम हो सकता है, यहाँ पे अनु किसी का नाम हो सकता है। पी से नाम हो सकता है भाई, क्यू से हो सकता है, वी से नाम हो सकता है, एंड वाई से हो सकता है। सो यार दैट्स ऑल फॉर यू पाइल नंबर वन। आई होप यू लाइक द वीडियो, एंजॉय द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, क्लेम दिस ब्यूटीफुल एनर्जी। इफ़ यू वॉन्ट यूर पर्सनल रीडिंग तो आप मुझसे बात कर सकते हैं, DM कर सकते हैं मुझे। लव यू ऑल, बाय, टेक केयर माई फैमिली। हेलो पाइल नंबर टू, तो अगर आपके नेम इनिशियल BCDGHKLO QSTXY से स्टार्ट होता है, देन स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग की आपकी शादी किससे होगी। ओके, प्लीज एंजल्स मुझे बताएं कि पाइल नंबर टू की शादी किनसे होने वाली है, पाइल नंबर टू की शादी किनसे होगी, पाइल नंबर टू के जो व्यूवर्स हैं उनकी शादी किससे होगी। ओह माय गॉड, क्या हो रही है पाइल नंबर टू? क्या आपकी शादी में अड़चन आ रही है क्या? नहीं हो रही है, ऐसा कुछ हो है? मुझे नजर आ रहे हैं द स्टार कार्ड इज हियर। अगर आप सोशल मीडिया पे हैं ना तो आपको कोई मिल सकता है वहीं पे, या फिर अगर आप स्पिरिचुअल पाथ पे हैं सो हो सकता है कि आपको कोई उसी फील्ड में मिल जाए। अगर आप स्टार सीड हैं, एम्प्रेस, डेथ, ओके, ओके ओके ओके, मुझे आप में से बहुत सारे लोगों का लग रहा है कि आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कैसे कैसे करनी है शादी। इफ़ यू वांट अरेंज मैरिज तो आपकी अरेंज मैरिज हो जाएगी, इफ़ यू वांट लव मैरिज तो आपकी लव मैरिज हो जाएगी, ठीक है। आप है ना दोनों ही कर सकते हो। मतलब कहने का यहाँ पे क्या है कि आपके हाथों में है कि आपको अपनी लाइफ कैसे जीनी है, ठीक है। इफ़ यू वांट कि हाँ भाई आपकी विश हो, अगर आपकी विश है कि हाँ भाई मेरी तो ऐसी लव मैरिज हो, सामने वाला मुझे लाइक करता हो, मुझे प्यार करता हो, बहुत ज़्यादा पसंद करता हो, तो आपकी वो विश पूरी होगी, ठीक है। आपको कोई ऐसा पर्सन ज़रूर मिलेगा, ट्रैवलिंग के टाइम हो सकता है और आपके वर्क की जगह से हो सकता है। आई डोंट नो वाई बट यहाँ पे पाइल नंबर वन की कुछ वाइब्स आ रहे हैं, पता नहीं क्यों। अगर आपका कोई निक नेम है और आप वो उससे चूज़ करना चाहते थे पाइल नंबर वन को, तो आप वो भी देख सकते हो जाके, ठीक है। मुझे यहाँ पे ये नज़र आ रहा है कि जो ये सामने वाला जो पर्सन होगा ना बहुत ज़्यादा ट्रूथ लवर होगा कि मुझे ये चीज़ पसंद है, मुझे ये चीज़ ऐसे चाहिए, थोड़ा सा ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। एंड या अगर आप सोशल मीडिया पे हैं तो वहाँ पे आप इन्हें मिल सकते हैं, वहाँ से आपकी इनके साथ बातचीत शुरू हो सकती है, वहाँ से आप इनको बात कर सकते हैं, वहाँ आप इनसे मिल सकते हैं, ऐसा हो सकता है। अदरवाइज़ मुझे आप ये भी नज़र आ रहा है कि आपकी फैमिली ढूंढे या फिर आप खुद ढूंढे अपने लिए लड़का, हाँ, और तब जाके शादी करें आप, ठीक है। मतलब ये नहीं है कि हाँ भाई लव मैरिज हो, आपने देखा हाँ भाई ये लड़का अच्छा लगा है मुझे, ठीक है, या ये लड़की अच्छी लगी है मुझे, मैं मम्मी पापा को अभी बोल देता हूँ या बोल देती हूँ और वो शादी करवा देंगे, ऐसा कुछ आप खुद भी पसंद कर दें, ऐसा कुछ बहुत ही अलग मैसेज आया है ये,
ठीक है। सो आपके इनसे बातचीत हो सकती है, मे बी पहले आप इन्हें बात करें, इनसे बात करें, इन्हें जानें अच्छे से। जब आप एकदम श्योर हो जाएंगे कि हाँ ये पर्सन मेरे लिए एकदम सही हैं, एकदम अच्छे हैं, तब आप इनसे बात करें। अगर ये लड़की होंगे ना तो इनकी हाइट थोड़ी छोटी हो सकती है, और अगर ये लड़के हैं तो आपसे लंबे होंगे, ठीक है, या थोड़ी छोटी हो सकती है, बट लड़की बहुत क्यूट होने वाली है, बहुत ज़्यादा क्यूट होगी ये लड़की एंड सुंदर बहुत ज़्यादा होगी। अगर यहाँ पे आप लड़के के बारे में देख रहे हो तो वो बहुत दिल के बहुत केयरिंग होंगे, लविंग होंगे, सपोर्टिव पर्सन होंगे, एट द सेम टाइम आपके लिए एक हीलर का काम करेंगे, आपके लिए एक हीलिंग या मेडिसिन बनेंगे वो। आप उनके लिए मतलब उनके लिए आपके लिए वो पेन किलर बनेंगे हमेशा, सॉरी, ठीक है। और यस, आपको लॉन्ग ट्रैवल करके जाना हो सकता है, मे बी आपकी दूसरी सिटी में हो, जहाँ आप रहते हो वहाँ पे ना हो, मे बी नियर बाय वाटर आपके इनसे बातचीत हो या बात हो या मिले आप एक दूसरे से, ठीक है। शुरुआत में ऐसा भी हो सकता है, अगर आपके घर में कोई रिश्ता आया और आपको लगा कि ये पर्सन मेरे लिए अच्छा नहीं है और आपने मना कर दिया और आपकी शादी उसी से हो जाए, ऐसा हो सकता है, ठीक है। स्पेसिफिक मैसेज है किसी के लिए। सो यहाँ पे मुझे क्या नज़र आ रहा है, अगर ये गांव से होंगे तो इनके पास बहुत सारे खेत होंगे, फील्ड्स, ठीक है, जहाँ पे ये अनाज या फिर ग्रेन्स वगैरह उगाते होंगे, ठीक है। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ऐसा हो सकता है कि आपने बहुत ज़्यादा देखा हो पास्ट में, अगर आप यहाँ पे आपके मम्मी पापा नहीं है, आपकी फैमिली नहीं है, सो ऐसा हो सकता है कि जो आपने सोचा कि हाँ भाई मेरे लिए कोई नहीं बना है, मुझसे कौन शादी करेगा, या आप बहुत ही गरीब फैमिली से, बहुत ज़्यादा पुअर फैमिली से हैं, सो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि सामने वाला आपकी फाइनेंशियल कंडीशन नहीं देखेगा, या लड़की होगा या लड़का होगा वो नहीं देखेगा, वो अब बस आपका दिल देखेगा। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है, यहाँ पे ज़्यादातर लड़कियों के लिए नज़र आ रहा है कि अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है तो सामने वाले लड़के को कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस चीज़ से, ठीक है। मे बी आपको लड्डू बहुत पसंद हो सकते हैं, ऐसा हो सकता है, आई डोंट नो व्हाई, बट मुझे ऐसा सुनाई दिया कि आप किसी को यहाँ पे लड्डू पसंद है, या शादी का लड्डू तो आप खिला ही दोगे। ये बहुत ज़्यादा सुंदर होने वाले हैं एंड यस, इनकी जो ये है ना, इनका फेस जो थोड़ा सा गोल होगा, ठीक है, इनका फेस गोल होगा और बहुत क्यूट होंगे ये। मे बी अगर लड़की है तो इन्होंने अपने शोल्डर जो है इनके यहाँ तक बाल हो इनके, ठीक है। आपके पास्ट में जो भी हुआ होगा ये उसको एक्सेप्ट करेंगे आपकी लाइफ में और आपको बोलेंगे कि हम हैं आपके साथ। वेट अ मिनट, पाइल नंबर 2 की शादी किससे होगी? सो मुझे अगर ये अरेंज मैरिज भी होगी ना तो अरेंज मैरिज भी इतनी बिंदास होगी कि आपको ये लगेगा अरे वाह, इससे अच्छा पर्सन कोई हो नहीं सकता मेरे लिए। यस, द स्टार कार्ड वापस से स्टार कार्ड आया, यू कैन सी स्टार कार्ड, मैंने तो फिर भी सीधा ही निकाला है स्टार कार्ड, ठीक है। आपका पास्ट में दिल टूटा हो, ऐसा हो सकता है एंड दे डोंट केयर कि भाई हाँ सामने वाले, ओ माय गॉड कपल इज हियर, आई हैव नथिंग टू से। देखिए कपल है यहाँ पे, एम्परर और एम्प्रेस, क्या चाहिए भाई, आपको किंग बना के रखेंगी अगर लड़की होंगी तो, अगर लड़के होंगे तो आपको रानी बना के रखेंगे अपनी, व्हाट यू नीड नाउ। हाँ, इतना प्यारा पर्सन है ये, ओके। आपके पास्ट से इनको कोई मतलब नहीं होगा, पास्ट में जो हुआ होगा ये बोलेंगी कि बेबी प्लीज भूल जाओ जो पास्ट में हुआ, जो भी है कुछ भी हो ये बोलेंगे कि पास्ट है, भूल जाओ, पास्ट को पास्ट में रहने दो। आपकी जो विश है एक अच्छे पर्सन की वो ज़रूर पूरी होगी। आप इन्हें ऑनलाइन भी मिल सकते हैं, आप इन्हें वर्क के प्लेस पे मिल सकते हैं, या फिर अगर आप किसी पार्टी फंक्शन में गए वहाँ आप इन्हें देखेंगे, किसी दूसरी जगह आप जा गए हुए हैं कुछ अटेंड करने, कोई शादी कोई फंक्शन, और वहाँ पर आप इन्हें देखें और वहाँ पर आप इन्हें पसंद करें। और ऐसा हो सकता है कि ये आपसे इसमें बड़े हों, ऐसा हो सकता है, ठीक है, या बट यहाँ पे मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि यहाँ पे एक पर्सन पहले पसंद करेगा सामने वाला,
और फिर आपके सामने जब बात रिवील होगी, या फिर आप होंगे आप पसंद करेंगे या फिर वो पसंद करेंगे, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है कि एक पर्सन सामने से पहले पसंद करेगा, दूसरे वाले पर्सन को पता नहीं होगा लेकिन बाद में उसे बताया जाएगा। किसी का नाम यहाँ पे टीनू चीनू ऐसा कुछ है क्या? फनी सा नाम, मतलब है क्या किसी का ऐसा? निकनेम भी हो सकता है इनके लिए ना, इनकी इनकी मान, इनको प्रतिष्ठा, क्या बोलते हैं उसको, एक पता नहीं क्या यार, सॉरी, लॉन्ग हाइट हो सकती है, एच से नाम हो सकता है, ए से नाम हो सकता है, एम से नाम हो सकता है, अदर कंट्री से हो सकते हैं, ठीक है। इनका रुतबा इनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा, अमेरिका से हो सकते हैं, हर्ष नाम हो सकता है किसी का, ठीक है, डॉक्टर हो सकते हैं कोई, यहाँ पे यूरोप से हो सकते हैं, और सी यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि ये कोई टीचर हो, इन्फ्लुएंसर हो, यूट्यूबर भी हो सकते हैं, ठीक है, या दूसरी कंट्री में कहीं सीईओ हो, बैंक में काम कर सकते हैं, ऐसा हो सकता है बैंकिंग में हो, और या फिर मार्केटिंग की जॉब करते हों, यूएस से ऐसा लगा मुझे। वरुण नाम हो सकता है, ब्लैक कलर इनका फेवरेट हो सकता है, जेड से नाम हो सकता है, एशिया से हो सकते हैं, एन और जापान से हो सकते हैं, जे से इनका नाम हो सकता है, ऑस्ट्रेलिया, बहुत सारी कंट्रीज एक साथ आई है, मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है मीडियम हाइट जैसा कि मैंने बोला था। एंड नाउ लेट्स सी कि टाइम स्टैम्प देख लेते हैं, क्योंकि आप सब बोलते हो कि अरे आप टाइम नहीं बताते हो मैम डियर। ओके डियर, सो पैनल नंबर वन में तो मैं भूल गई लेकिन आपका याद आ गया मुझे, सॉरी। पैनल नंबर वन, कब तक आएंगे पर्सन एंजल्स मेरे व्यूवर्स की लाइफ में? मे बी आप इनसे बात भी कर रहे हो, ऐसा हो सकता है, अगर ये किसी से क्रैक ये मैच कर रही है ना, तो डिवाइन टाइमिंग का वेट कीजिए, आफ्टर 5 मंथ वेट कीजिए, अभी आफ्टर 8 मंथ जुलाई, नेक्स्ट जुलाई में भी, आफ्टर 7 मंथ 16, 17, 18, 19, 20 ये हो सकते हैं, वेरी सून हो सकता है, 21, 22, 23, 24, 25 आफ्टर 2 ईयर्स, ओ माई गॉड, या फिर आप वेट कर रहे हो 2 ईयर्स से। Fab 1 2 3 4 5. So yeah, that's all for you, my family. I hope you like this video, enjoy this video, claim this beautiful energy. If you want your personal reading, तो आप मुझसे बात कर सकते हैं, DM कर सकते हैं. Love you all. Bye. Take care.